तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं हिंदी गद्य उद्भव और विकास, हिंदी गा शॉर्ट में बोले तो भाई हिंदी गा, इंग्लिश में बोले तो भाई हिंदी सी, ठीक है ना, इस सब्जेक्ट के भाई मैं आज आप लोगों को प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, साथ ही साथ वीडियो के एंड में आप लोगों को इसका एग्जाम पैटर्न जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है भाई, ये जो सब्जेक्ट है ये बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के पास होता है, बहुत सौ के पास थर्ड सेमेस्टर में होता है तो बहुत सौ के साथ फोर्थ सेमेस्टर में होता है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और इन्फॉर्म कर दूं भाई, हिंदी बी वाले बच्चे और हिंदी ए वाले बच्चे जो भी हैं उनके लिए भाई ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट वाइज जाके चेकआउट कर सकते हैं। अदर कोर्स के भी बच्चे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जो है चेकआउट कर सकते हैं, सबके यहाँ पे वीडियोज जो है प्रोवाइड करा रखी है आप लोगों को। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो भाई बात करते हैं अब एग्ज़ाम पैटर्न के। एग्ज़ाम पैटर्न में भाई सबसे पहली चीज़, आप लोगों को यूजुअली एग्ज़ाम में भाई 3 घंटे मिलते हैं पेपर करने के लिए, ठीक है, बट इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को 3.5 घंटे दिए जाएंगे। एग्ज़ाम भाई जो आपका होगा वो 75 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना, 75 में से भाई आप लोगों को 40% लाना जो है बहुत ज़रूरी है पास आउट होने के लिए। 40% का मतलब आपको 30 नंबर 75 में से लाना है तभी आप पास आउट हो पाओगे, ठीक है, ये पासिंग क्राइटेरिया है एक सब्जेक्ट का, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का। ठीक है, बात करते हैं भाई यहाँ पे क्वेश्चंस की कि क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो देखो भाई इस सब्जेक्ट में आपके 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आपको करने कितने हैं, तो देखो भाई आप लोगों को 4 से 5 जो है क्वेश्चंस करने होंगे। ये कंफर्म नहीं पता मुझे कि 4 करने हैं या 5 करने हैं, बट 4 से 5 आप लोगों को करने होंगे क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। अब भाई एक बार एक और चीज़ बता दूँ, जो क्वेश्चंस पेपर दिया होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं 4-5 शुरू में ही, वो एक बार पढ़ लेना, उसमें बता दिए जाएंगे भाई आप लोगों को कि कितने क्वेश्चन जो है आपको करने हैं, वैसे आपको 4 या 5 ही करने होंगे। ठीक है, बात करते हैं भाई यहाँ पे आपके क्वेश्चन के टाइप की, क्वेश्चन कितने टाइप के कैसे कैसे आते हैं। तो देखो भाई पहला क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा देखने के लिए मिलेगा, आपको एक पैराग्राफ दे देंगे आपके चैप्टर से ही उठा के, ठीक है ना, या अवतरण कह लो आप, पैराग्राफ दे देंगे, ठीक है, उसमें बोलेंगे भाई आप लोगों को आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या ये किस चीज़ का बवाल है, तो भाई ये आज चीज़ आपने 12th में करी है तो वही सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, यानी कि इसकी मीनिंग आपको निकालनी है और वो लिखनी है व्याख्या में। ठीक है, अगर किसी को व्याख्या करनी नहीं आती है तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आप 12th वाला भी मेथड अपनाओगे तब भी आपकी व्याख्या जो ठीक मानी जाएगी। ठीक है, व्याख्या में भाई आप लोगों को सबसे पहले ये पहचानना होता है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, उस चैप्टर का नाम लिखना होता है, वो चैप्टर किसने लिखा उसका भी नाम लिखना होता है, साथ ही साथ फिर इस जो आपको ये लाइनें दे रखी हैं, जो पैराग्राफ दे रखा है, इसका मतलब बताना होता है, और फिर एंड में भाई आप लोगों को इसमें जो कुछ विशेषताएं होती हैं वो एक्सप्लेन करनी होती है, तो आपकी व्याख्या जो है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी, बिकॉज ये चीज़ आप 12th में भी करके आए हो। ठीक है, बात करते हैं भाई यहाँ पे और क्वेश्चंस की। तो देखो भाई जितने भी अभी पीछे आप क्वेश्चंस देके आए हो, बाकी सारे क्वेश्चन जो है आपके उसी टाइप से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे चलते थोड़ा।
तो ये आ गए भाई हम एक क्वेश्चन पे। तो देखो भाई ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ठीक है ना, एक क्वेश्चन भाई आपका इस टाइप से ही आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि शॉर्ट टिप्पणी करने के लिए आपको दे देगा एक क्वेश्चन, दो तीन टॉपिक दे देगा और फिर बोलेगा इनमें से एक पर आपको टिप्पणी करनी है, यानी कि इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताना है, ठीक है। तो बस इस टाइप के आपके जो है क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आई होप कि आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न है अच्छे से समझ में आ चुका होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।